अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल आई एम राणा सिंह। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिटहब। गिटहब क्या है और हम गिटहब पर किस तरह साइन अप और लॉग इन करने के बाद हम किस तरह अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम न्यू रिपोजिटरी किस तरह बना सकते हैं और फाइल अपलोड किस तरह कर सकते हैं। तो आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें आपने टाइप करना है github.com। github.com जैसे आपने टाइप किया और एंटर किया तो आपके पास github.com की जो वेबसाइट है गिटहब वो ओपन हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो है वो साइन अप करना है। तो साइन अप के लिए आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। जैसे आपने साइन अप पे क्लिक किया तो आपने यहाँ पे इंटर योर ईमेल, तो आपने यहाँ पे जो है अपनी ईमेल जो है वो इंटर कर देनी है। तो जैसे मैंने अपनी ईमेल दी, ईमेल एड्रेस दिया, तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपने जो है वो स्ट्रांग जो है वो पासवर्ड देना है, और उसके बाद जो है आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इंटर यूजर नेम, तो आपने अपना यूजर नेम इंटर कर देना है। मैंने जो है पार्ट डेवलपर अकेडमी जो है वहाँ पे इंटर कर दी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है आया है वो है कि वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट एंड अनाउंसमेंट वीआर ईमेल, कि आपके पास जो अपडेट है वो आए या ना आए। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे जो है वो प्रोडक्ट अपडेट नहीं चाहिए, एंड मैं इंटर करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि वेरीफाई योर अकाउंट। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पजल सॉल्व करनी है कि आप ह्यूमन हैं या नहीं। स्टार्ट अ पजल पे मैं क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने पजल जो है सॉल्व करनी है, उसके बाद जो है क्रिएट अकाउंट क्लिक कर दिया। तो आपने जो है वो अपना जो है वो कोड आपने यहाँ पे ईमेल पे वो आपने वो दे देना है। वो कहता है हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू, तो आपने यहाँ पे बता देना है कि आर यू टीचर स्टूडेंट, और यहाँ पे जो है आपने ये ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जस्ट मी, और यहाँ पे टीचर या स्टूडेंट कुछ भी आप कर लें, और कंटिन्यू जो जो फीचर्स आप जिनमें आप जो है मैं इसको चेक कर देता हूँ। और क्लाइंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास जो है आ जाएगा ऑप्शन लर्न टू शिप सॉफ्टवेयर लाइक अ प्रो। उसके लिए जो है ये आप अगर फ्री में करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड और 2000 एक्शन मिनट्स मंथ और 500 एमबी का पैकेजेस को कम्युनिटी सपोर्ट होगा, गेट एडिशनल स्टूडेंट बेनिफिट। तो उसके लिए आपको जो है वो यहाँ पे जो है आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, ड्राफ्ट पुल रिक्वेस्ट पेजेस एंड वीकी और मंथ कुछ मिनट है आपके पास, कुछ जी बी पैकेज स्टोरेज है। और उसके पास उसके बाद जो है आपके पास गिटहब स्टूडेंट डेवलपमेंट पैकेज और इस तरह है। हमने कंटिन्यू फॉर फ्री पे करना है, और आपके पास जो है आपका गिटहब जो अकाउंट है वो आपका बन चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है ये ऑप्शन शो हो चुका है कि आपका जो गिटहब है वो अकाउंट जो है वो बन चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ आप देखें आपके पास चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, पुल रिक्वेस्ट, इशू, मल्टी क्लोज और एक्सप्लोर। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्रिएट रिपोजिटरी बनानी है आपने। तो मैं क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो है क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ रिपोजिटरी नेम, रिपोजिटरी में नेम मैं देता हूँ डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। और उसके बाद जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इन दिस रिपोजिटरी ऑल प्रोजेक्ट्स और डेटा साइंटिस्ट इंक्लूडेड। और उसके बाद जो है मैं रिपोजिटरी पब्लिक या प्राइवेट, यहाँ से अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं तो आप पब्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने आपने यहाँ पे इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद, ठीक है, स्किप दिस स्टेप। आप इसको मतलब इनमें से आप अगर आप कोई चेक ना करना चाहें तो कर लें, अगर चूज अ लाइसेंस तो किस तरह का आपको लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ लाइसेंस टाइप है वो आप दे सकते हैं। मैं इसको अनचेक करता हूँ और एड अ रीड बी फाइल और क्रिएट अ रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है मेरी रिपोजिटरी बन चुकी है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक रिपोस्ट बन चुकी है डेटा साइंटिस्ट की, और यहाँ पे जो है मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं आप राइट साइड पे टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ आइकन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है एक जो है स्टेटस बार शो हो रही है, उसके बाद यूअर प्रोफाइल, यूअर रिपोजिटरीज, यूअर कोड स्पेस, यूअर प्रोजेक्ट्स, यूअर स्टार्स, यूअर गिफ्ट्स और अपग्रेड वगैरह सेटिंग और साइन अप ऑप्शन यहाँ पे। मैं यहाँ पे यूअर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफाइल जो है वो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे देखें जो मेरी जो है गेट रिपोजिटरी उसका जो नाम है, रिपोजिटरी का नाम है वो डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, और ये पब्लिक है। और यहाँ पे अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको मैं 2021 करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जिस डेट को मैं ये रिपोजिटरी बना रहा हूँ तो वो डेट मेंशन है, तो आप देख सकते हैं।